नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम पांच बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी को दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती माफिया अतीक अहमद के फाइनेंसर नफीस बिरयानी की मौत हो गई है। किंग खान की डंकी ने रिलीज से पहले ही यूए के बॉक्स सिनेमाज में आयोजित सेंसर बोर्ड स्क्रीनिंग के दौरान स्टैंडिंग ओवेशन हासिल किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले की कार से एक कार जा टकराई। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच जॉन्सबर्ग के न्यू वंडर स्टेडियम में खेला गया। टीम इंडिया ने इस मैच को जीतकर सीरीज का आगाज किया। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसी के साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।